हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉलफेयर चैनल में। तो पहले हमने बहुत सारे ऐसे लॉन्च पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है जिसमें बहुत सारे कॉइन्स भी मिले हैं। इवन इथेरियम बेस्ड कॉइन्स की हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने ईएनए देखा था और लास्ट टाइम इवन ईथ फाइव भी आया था। तो ईथ फाइव की वैल्यू आपको पता होगा $5 के $6 के आसपास चलती रहती है और इवन ईएनए भी इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बहुत अच्छी गई है। एंड करंटली जो एक नया प्रोजेक्ट आया है लॉन्च पूल के ऊपर, आई थिंक इसके ऑलरेडी 3-4 दिन तो हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी बहुत जल्दी लिस्ट होने वाला है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि अभी सागा के नाम से प्रोजेक्ट आया है। अगेन एक बार फिर से हमें वही अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो हमें हर एक लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में मिलती है, यानी कि फ्री में कॉइन्स अर्न करने का मौका मिलता है। तो बहुत ही कम समय बचा है इसको ग्रैब करने का, जितने ज़्यादा कॉइन्स आपको मिल जाएंगे उतना ही बड़ा फायदा होने वाला है। वरना एक और चीज़ का आपको फायदा होगा वो ये है कि सागा कॉइन जैसे लिस्ट होगा, लिस्ट होने के साथ साथ आप इसको सडनली ट्रेड भी कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर जो लिस्टिंग्स होती हैं लिस्टिंग अनएक्सपेक्टेड होती हैं, लेकिन ये जो सागा या फिर लॉन्च पूल वाला कोई भी प्रोजेक्ट होता है इसकी लिस्टिंग होते ही आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्ट हो चुका है और उसका आप वहाँ पे ट्रेडिंग का फायदा उठा पाओगे, सडनली आप बाय या सेल भी कर पाओगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी नई लिस्टिंग होती है एक बड़ा प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेड रहता है हमेशा ही। तो ये कैसे आपने पार्टिसिपेट करना है और अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आप एक बड़ा प्रॉफिट अर्न कर पाओ, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे। और हाँ, क्रिप्टो के अपडेट्स हम डालते रहते हैं हमारे वॉफ्ट्रेड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर और ये हमेशा ज्वाइन करके रखना क्योंकि बिटमार्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमेशा आते रहते हैं, बिटमार्ट के जो एयर ड्रॉप्स हैं वो भी मैं आपको बताते रहता हूँ। एंड हर एक वीडियो में हर एक बार मैं आपको बताते हूँ कि अभी कौन सा चल रहा है, जैसे कि पहले $5 का, $50 का चल रहा था, इवन $10 का भी चल रहा था एंड अभी एक नया भी आया, वो मैं वहीं पे पोस्ट कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर। तो अगर आपको नहीं पता है तो लॉन्च पैड या लॉन्च पूल अगर आप सर्च करते हो बाइनेंस ऐप में तो आपको इजीली मिल जाएगा, वरना अगर आप मॉल के ऑप्शंस में जाओगे यहाँ पे आपको लॉन्च पैड एंड लॉन्च पूल ऑप्शन दिख जाएगा। हमेशा मैं तो वेट करता रहता हूँ कि कब कोई नया प्रोजेक्ट आए और उसमें हम अपना जो स्टेकिंग है वो लगा पाएं, फार्मिंग करके पैसा अर्न कर पाएं। तो यही एक तरीका है जिससे आपको क्या है कि हर एक हफ्ते $50, $100 हो सके $200-$400 भी मिल जाए, तो इस तरीके की अर्निंग मिलती रहती है। वरना अगर $10 भी मिलती है तो ऐसा मानकर चलो कि बिल्कुल फ्री में कोई अर्निंग मिलती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो सागा के नाम से प्रोजेक्ट आया लॉन्च पूल के ऊपर, यहाँ पे दो पूल्स हैं, बीएनबी पूल एंड एफटीएसटी पूल। बीएनबी पूल में यहाँ पे रिवॉर्ड्स रखेगा 36 मिलियन सागा कॉइन्स और ऐसे ही सेम एफटीएसटी पूल का भी है, एफटीएसटी में भी सिमिलर अमाउंट ऑफ सागा कॉइन्स का रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तो बीएनबी होना चाहिए या फिर एफटीएसटी होना चाहिए, दोनों है तो दोनों स्टे कर दो। तो आपको हर बार एक ही चीज़ बताता हूँ लेकिन फिर से आपको बताने वाला हूँ, बीएनबी अगर आपके पास है अपने बीएनबीज को यहाँ पे स्टेक करो, स्पॉट वॉलेट में पड़े हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी अर्निंग नहीं देने वाले, बीएनबी पूल में डालो, यहाँ पे स्टेक ऑप्शन है, स्टेक के ऊपर क्लिक करो और आपकी जो फार्मिंग है शुरू हो जाएगी, फार्मिंग होने के साथ साथ यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, एक तो ये कि आप कभी भी अपना अमाउंट रिडीम कर सकते हो, वापस आपके स्पॉट वॉलेट में एक सेकंड में चला जाएगा और अपने जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी आप कभी भी क्लेम कर सकते हो, अगर नहीं भी करते हो तब भी आपके ये वॉलेट में जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि सागा प्रोजेक्ट है क्या। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है saga.xyz, तो इन्होंने लिखा हुआ है द कंप्लीट वेब थ्री प्लेटफॉर्म मेड फॉर डेवलपर्स। तो ये लेयर वन प्रोटोकॉल है जो कि डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। एंड हमेशा आप चीज़ नोटिस करोगे कि हमें यहाँ पे फार्मिंग का तो मौका मिल ही रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट जो बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर आता है वहाँ साथ साथ आपको एयर ड्रॉप भी मिलता है। तो यहाँ पे एयर ड्रॉप क्लेम पेज भी दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जा सकते हो कि कैसे आपको ये एयर ड्रॉप मिलने वाले हैं। तो एयर ड्रॉप्स की इन्फॉर्मेशन हमेशा इनके एक्स या ट्विटर के ऊपर रहती है, तो वो ज्वाइन कर लो या फिर आप पर्सनली एक बार चेक कर सकते हो कि आपको ये एयर ड्रॉप कैसे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको दो तीन फायदे होने वाले, एक तो ये कि आप एयर ड्रॉप यहाँ से ले सकते हो इनका जो अपना एयर ड्रॉप है, दूसरा ये कि आप अपना जो जितना भी बीएनबी है या फिर एफटीएसटी है स्टेबल कॉइन है उसको स्टेक करके आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो बीएनबी अपने लगाओ एंड उसके ऊपर रिवॉर्ड्स पाओ और इसी के साथ एफडीएसडी है यहाँ पे आपको मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई और स्टेबल कॉइन पड़ा है, चाहे वो यूएसडीटी पड़ा है, यूएसडीसी पड़ा है, कोई भी है, उसको कन्वर्ट करो एफडीएसडी में और बाइनेंस के ऊपर लेकर आओ, बाइनेंस के ऊपर स्टे कर दो, क्योंकि ये बहुत ही कम पीरियड के जो लॉन्च पूल्स आते हैं 3-4 दिन के होते हैं, हमेशा मैक्स टू मैक्स अभी एक हफ्ते के आते हैं। पहले क्या था कि 1-2 महीने ऐसे आते थे, अभी शॉर्ट टर्म के आते हैं लेकिन इसी शॉर्ट टर्म में हमें ज़्यादा कॉइन्स भी मिल जाते हैं और उनके ऊपर रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा मिल जाता है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, मेरा यही कहना है। तो FDSD में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टे कर दो, स्टे करके आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ी इनकम मिलने वाली है, क्योंकि पिछले किसी प्रोजेक्ट ने मुझे तो नाराज नहीं किया, चाहे वो BNB पूल में मैंने स्टेकिंग करी है, चाहे FDSD पूल में स्टेकिंग करी है, कुछ ना कुछ ऐसा रिवॉर्ड जरूर मिला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ETH5 की बात करें, ENA की बात करें, ETH5 टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि उसकी वैल्यू $5 से ऊपर भी जाने वाली है एंड वी कैन सी कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा हाइप में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी देखें तो BTC अभी $70,000 के आसपास रहता ही रहता है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप है, पूरी बुलिश
मार्केट चलती है, इवन ग्रीड जो है वो ये भी 70-80 इवन 90 के आसपास भी रहा है। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मतलब भी यही है, यहाँ पे बाइंग कंटिन्यूसली चलती है, बहुत ज्यादा ग्रीड की वजह से बाइंग चलने ही वाली है ऑल्टकॉइंस की। तो यहाँ पे बात सिर्फ BTC की नहीं है बल्कि सारे के सारे ऑल्टकॉइंस की है। तो मेक श्योर कि आप बाइनेंस लॉन्च पूल में जरूर पार्टिसिपेट करें, तो यहाँ पे स्टेक करो। एंड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप इसको कभी भी रिडीम कर सकते हो अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है, चाहे अपना BNB हो चाहे FTSE हो, इसको कभी भी आप रिडीम करके बाहर निकाल सकते हो। एंड आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आप क्लेम, अगर आप खुद मैनुअली करना चाहते हो तो आप इसको मैनुअली भी क्लेम कर सकते हो, वरना ये जितना भी अमाउंट है सारा का सारा आपके वॉलेट्स में लास्ट टाइम या फिर लास्ट डे में पहुंचने वाले हैं, ताकि आप इसको ट्रेड भी कर पाओ। यानी कि जैसे यहाँ पे जो लॉन्च पूल एंड होगा, फॉर्मिंग एंड होगी, फॉर्मिंग एंड होने के साथ साथ आप इसको ट्रेड भी कर पाओगे, उसके बाद सडनली ये लिस्ट भी होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।